हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेमचंद स्टडीजी के। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत 29 अगस्त 2012 को हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। 29 अगस्त का दिन खिलाड़ियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस राज्य से है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मेजर ध्यानचंद का संबंध है। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1000 से अधिक गोल किए, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद की याद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त शुक्रवार का दिन, और 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको शताब्दी का खिलाड़ी भी घोषित किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1956। भारत सरकार द्वारा 1956 में भारत के तीसरे उच्चतम सम्मान पद्म भूषण के साथ हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद का संबंध थलसेना से। 1928, 1932 और 1936 में हॉकी के क्षेत्र में 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने 1948 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 29 अगस्त को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया। 1991 में स्थापित राजीव गांधी खेल रत्न को पहली बार भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को देकर सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में पहली बार दिया गया था जब इसे सारराज ब्याजदार मुक्केबाजी को दिया गया। अशोक दीवान हॉकी, अपना घोष बास्केटबॉल, इन तीनों को ये ध्यानचंद पुरस्कार से 2002 में सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिए जाने वाला सबसे पहला और पुराना पुरस्कार है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 के ईस्वी में आया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।